में देखना काफी ज्यादा ये देखो जिसके लिए मैं सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के जो वीडियो है वो ब्लॉग होगा, मतलब लखनऊ टू अहमदाबाद की जो फ्लाइट आज होने वाली है, तो इसका मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग बना लूँ। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने जा रहा है और आप कौशिक आएगा तो थोड़ा सा एक और शूट करेंगे यहाँ पर ब्लॉग, तो बाकी एयरपोर्ट पर आपसे सीधे मिलते हैं। हालत कैसे पतली है। तो भाई अंदर एंट्री मिल चुकी है, अभी हम दोनों भाई लोग अंदर बैठे हैं। ठंड लग रही है, आप देख सकते हो इधर पीछे से वहाँ से हवा आ रही है और जब ठंड भाई होने लगी है तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड लग रही है फिलहाल तो। और यहाँ पे भी सन्नाटा है, मतलब अभी समझ रहे हो अभी काउंटर खुले नहीं है, आपको दिखा रहे इधर देखिए काउंटर बंद है, 3 बजे काउंटर खुलेंगे शायद यहाँ पे, फिर अपना बोर्डिंग पास मिलेगा, उसके बाद में शायद बैग चेकिंग जो भी होना होगा प्रोसेस वो आगे चलता रहेगा। लगता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ बैग चेक होने वाले हैं। भाई सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या यहाँ पे हुई हम लोग को, गोप्रो रखवा लिया गया, मतलब इसको बंद करिए, बोल रहे हैं कि वीडियो बना ही नहीं सकते आप, इसको जब बंद तक यहाँ से जाके लैंड नहीं कर जाते आप दूसरी जगह। हाँ ये क्या नाम था अभी भाई, ये कोई वही बात है, मतलब ज़्यादातर लोग ब्लॉगर से जलते मुझे लग रहा है, उनका रिएक्शन कैमरों को देख के एकदम चेंज सा हो गया एकदम, और बाकी तक तो ठीक था, बस इसको रखिए जैसे अंदर रख लिया फिर चेंज एकदम, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। गेट पे अलाउ नहीं भाई, मैं देखता हूँ वीडियो में हर जगह वीडियो बनती है, वीडियो तो बना ही लेंगे चाहे जैसे बनाए, और अभी वो ब्लॉगिंग हो रही है फोन से, फोन से ब्लॉगिंग कर लेने लगे भाई, बड़ा लंबा नहीं हुआ कभी। यहाँ पे बैठे लखनऊ के एयरपोर्ट पे, यहाँ से आगे का जब काउंटर खुलेगा उसके बाद ही लखनऊ एयरपोर्ट। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि बोर्डिंग पास वाला होता है, मतलब आपके पास जो ई टिकट होता है उससे आपका बोर्डिंग पास निकालना होता है, तो वो प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे मशीन लगी होती है। तो गाइस जा रहे हैं बोर्डिंग पास हम लोग दिखाने और आगे ब्लॉग बनाने देंगे नहीं तो कैमरा बंद करते हैं, फिर मिलते हैं बाद। सर बोर्डिंग पास लेके हम लोग जा रहे हैं और आगे मिलते हैं यहाँ से सीधे ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग का जहाँ पे बोर्डिंग पास के बाद जो आगे का प्रोसेस था, मतलब बैग चेक वगैरह सब कुछ, तो भाई फ़ोन बैटरी इलेक्ट्रॉनिक जितना आइटम था बेल्ट तक यहाँ तक की सब कुछ ट्रे में रखवा के स्कैन करवाया गया और इसकी पैंट खींच रहे थे तो उसके बाद इतना प्रोसेस हुआ, हम लोग उस प्रोसेस को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक बार और बोर्डिंग पास मैं चेक हुआ है और गेट नंबर 4 के अंदर एंटर हो चुका है, तो भाई एक बार और बैग अपना चेक हो चुका है, तो एक बार और बैग चेक हो गया, आगे देखते हैं क्या होता है। गए अभी हम आ गए फ्लाइट में और हम दोनों भाई बैठ चुके हैं दोस्तों के लिए वीडियो से, और रास्ते बदल लेंगे, रास्ते में बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सबको एंजॉय करने को मिला है भाई, और रिटर्न टाइम में भी विंडो है, रिटर्न वाह 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 मजा आई। तो भाई इधर देखिए आप ये कुछ नज़ारा इधर, यहाँ पे मतलब सुबह वाली फ्लाइट में कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है, उसके बाद रोटी तो रिटर्न टाइम इवनिंग है, इतना मतलब बढ़िया लग रहा है ना, मुझे लग रहा है रिटर्न इवनिंग में देखना काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है। जिसके लिए मैं तो हम लोग अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और तो गाइस हम लोग का पैसा हुआ बर्बाद पूरा, क्योंकि हम लोग का शौक था बाहर बस से जाने का और हम लोगों को इस छोटी सी गली में पहुंचा दिया गया है एकदम डायरेक्टली, जो कि एकदम पसंद नहीं आया हमको खास। और अभी हम लोग देखिए यहाँ एयरपोर्ट पे आ गए हैं, कैमरा करते हैं फटाक से बंद वरना लंबा झपकी हो सकती है। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं, किया तो बस भाई बात कर रहे उससे वो कहाँ पे है, हमारी टैक्सी आ चुकी है, ये वाली टैक्सी है, तो हम लोग इसमें बैठेंगे अपना ओटीपी शेयर करेंगे उसके बाद में निकलेंगे सीधे। अपने बढ़िया भाई हैं, मतलब कि जैसा हमने सोचा था वैसे ही मिले हैं, अब निकल चुके हैं। तो भाई कुछ दिक्कत हो गई जिसकी वजह से हमें कैब चेंज करनी पड़ी और अभी हमने ओला हटा के ऊबर बुक किया है, और अब यहाँ से सीधे कोशिश है कि अब सीधे पहुँचेंगे बड़ोदरा, और पीछे कौशिक भाई बैठे हुए हैं अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर रहे हैं, और अभी मैं भी शायद रास्ते में कहीं रुकेंगे तो ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे कि बोला था करेंगे, भूख लग रही है और सुबह की फ़्लाइट थी तो सुबह से ही सब अपना सिस्टम चल रहा है, तो चलिए बाकी जैसा होता है आपको दिखाते हैं बताते हैं।
तो गाइस अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे जो भैया हैं जो कैब ड्राइवर, उन्होंने बोला यहाँ का पोहा फेमस है। जैसे हम लोग के साइड में चाय बन मक्खन चलता है सुबह सुबह, तो उधर पोहा चलता है, वही अभी इधर खाएँगे और यही सब अभी नाश्ता होगा। उसके बाद सोचते हैं। तो भाई फाइनली हम होटल के बाहर यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ट्रिप रिपेंड हो गई सब, और भाई भी जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। तो बाकी हमारी होटल सामने इधर है, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं फिर बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे होटल के अंदर पहुँच चुके हैं और उधर रिसेप्शन पे अपना टिकट वगैरह आईडी जमा कर दिए, तो हम लोगों से आधार कार्ड दिया गया है, तो फिर थोड़ी देर कंफर्म कराएंगे रूम वगैरह, फिर उसके बाद हम बाहर चल गए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। एक डेढ़ घंटा है बोले आपके पास, एक डेढ़ घंटा है, आप जो करना है कर लें, फिर वो लोकेशन भेजेंगे हम लोग को पहुँचना है। भाई मैं आगे जाऊँ, भाई साहब क्या फील होने वाला है, मजा आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे भाई ये बाहर का नज़ारा यहाँ से कुछ है, और बाकी का भी काफी कोई जवाब नहीं है, बाकी तो सब बहुत बहुत बढ़िया है। हम मन तो कर रहा है सोच है और कहीं ना जाए, क्योंकि अब हम लोग को ट्रैक पे भी अभी जा रहे हैं। सबसे मेन चीज क्या है, उलर रहा है निकल रहा है। अरे तो भाई नहा धो के निकल लिए, उधर ये वाला होटल है और यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, नहा वहाँ एकदम रेडी होके आ गए, तो कुछ खाते पीते हैं दिखाते हैं आपको। इधर ये मार्केट है यहाँ की, चलिए देखते हैं कुछ। स्टार्टअप हो चुका था, ये आया है फाइनली खाना, और तो ये हम लोग का खाना है अभी स्टार्टअप, ये ख़त्म कर ले उसके बाद खाना खाएंगे। भाई तो हमारे पीछे आपको रेस्टोरेंट दिख रहा होगा, और खाना हम दोनों भाइयों ने खा लिया और खाना बर्बाद किया, सच बताऊँ वेस्ट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। बट 190 में यार जो खाना मिला, जो क्वांटिटी थी और जो क्वालिटी थी बहुत मस्त थी, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। प्लेट में तीन लोगों का खाना, भाई स्टार्टअप भी था, स्टार्टअप में क्या ही बताएं भाई, खा नहीं पाए पूरा खाना, और काफ़ी बढ़िया लगा, और हम लोगों ने तो काफ़ी इंजॉय किया, होप करते आपने भी इंजॉय किया होगा। और इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल्डन बाबा रेस्टोरेंट बाय बाय। तो भाई आज दूसरा दिन है और नहा वहाँ के एकदम रेडी हो गए, 9:30 बज गए, 10 बजे इवेंट शुरू होगा, थोड़ा लेट हो गया, जल्दी से निकलते हैं और सीधे पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वहीं पहुँच के सीधे ब्लॉग चालू होगा, जो होगा सब वहीं आपको दिखाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का मन हम नहीं करता है। तो भाई हम यहाँ पे निकल चुके हैं और अभी हम लोग मतलब रैपिडो बुक किया था ऑटो रिक्शा वाली, तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं इसमें, और अभी हम लोग चाय पी के सीधे निकल रहे हैं इवेंट के लिए, और शायद वहाँ मिलके बताते हैं। और यहाँ में एक चीज़ मैंने देखी, एक चीज़ भाई बहुत कॉमन है, जो कि है यहाँ की ट्रैफिक नियम, मतलब कि सिग्नल तो फॉलो कर ले रहे हैं लोग, लेकिन हेलमेट भाई कसम खा के नहीं लगाते। मोदी जी का एरिया है, भौकाल है उनका इतना, हम लोग का साला कोई, हम लोग हेलमेट लगा के बिना निकलते नहीं, कोई भी नहीं निकलता, अगर हर आदमी हेलमेट में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जोमेटो वाला हो चाहे कोई भी हो, खुद पुलिस वाला भी हेलमेट नहीं पहनता है, तो ये चीज़ कॉमन है एकदम, दिखाता हूँ आपको। आप ये देखो हेलमेट नहीं है, इधर देख लो हेलमेट नहीं है, कोई मतलब मेन चौराहे पे, मेन चौराहे पे इधर पुलिस वाला है, लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये तो पुलिस वाली दीदी खड़ी है, पुलिस वाली दीदी हेलमेट लगाए, देख लीजिए आप, बाकी किसी ने हेलमेट देखा भी नहीं मुझे लग रहा, पहनना तो दूर की बात है, एकदम ठंडा ठंडा। तो हम लोग ट्रैक से आ चुके हैं, ट्रैक उधर वहाँ पे लगा हुआ था नीचे, ये पास में एक चीज़ दिखी, ये है आपका अकोटा ब्रिज, जो कि है बड़ौदा में, और इसमें ख़ास बात क्या है, ये पूरा ब्रिज जो है इसके ऊपर पूरा सोलर लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो लाइट वगैरह आती है सोलर से आती है, सोचो वहाँ तक है, काफ़ी लंबा है ये पूरा सोलर वाला पूरा, और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर, तो हमें इसका दिखाना है तो दिखा देते हैं, नई जगह है, और बाकी आ रहा है, और अभी हमने कैब बुक किया है तो वो आ रही होगी, तब तक वेट करेंगे यहीं खड़े होके, फिर हम पहुँचते हैं होटल। तो अभी हम लोग होटल पहुँच चुके हैं और रास्ते भर में टूट नहीं गया, क्योंकि यार एकदम मन नहीं कर रहा था, एकदम टूट गए,
हो गया ना, उब गए, भूख की तेज लगी, जल्दी से नहाते हैं और फिर चलते कुछ खाते आते हैं और ये ब्लॉग यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। अब यहाँ से जब निकलूँगा तो फिर लखनऊ तक का ब्लॉग फिर से आने वाला है। चलिए बाय। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी का जो ब्लॉग ये होने जा रहा है ये तीसरा दिन है और आज हम यहाँ से निकल रहे होटल चेकआउट करने वाले हैं कुछ ही देर में और बड़ौदा टू अहमदाबाद यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद अहमदाबाद टू लखनऊ निकलेंगे। पूरी फुटेज सारा ब्लॉग एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। चैनल पर हमें सब्सक्राइब जरूर करना, हो सकता है मज़ा आए, भरोसा ना भी आए, लेकिन जो भी है अपना ब्लॉग में डाल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे, अपनी सारी दास्तान शेयर करना चाहता हूँ तो कर रहा हूँ। और मोहब्बत की दास्तान नहीं है, ब्लॉग की दास्तान है। तो चलिए गाइस, यहाँ होटल से बाहर मिलते हैं आपसे सीधे कैब पे। तो बैग वैग पैक हो गया है, रेडी हो गए एकदम, तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे रूम सर्विस वाले भी आ चुके हैं और हम लोग यहाँ से सीधे निकल रहे हैं। अब सीधे बाहर मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम लोगों ने होटल को चेकआउट कर दिया है फाइनली और हमारी कैब भी आ चुकी है जो कि सामने खड़ी है, अभी आपको दिखाते हैं। ये रही हमारी कैब, इसका नंबर है फला फला और अभी हम लोग बैठते हैं इसमें। ओहो, तभी हम आ गए भाई कैब के अंदर, बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से ओटीपी शेयर करेंगे, हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे, बाकी रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। एयरपोर्ट ही जाएंगे क्योंकि कहीं जाने का तो प्लान है नहीं, वैसे था टाइम नहीं बचा, सो फाइनली वहीं पहुंचते हैं। बाकी सिनेमैटिक और वो कि आपने थोड़ा बहुत क्लिप देखा होगा, वैसे ब्लॉग छोटा छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा मसल हो जाती है, काफ़ी लंबा बन जाता है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आने जाने में, बढ़िया कैब वाली सर्विस जो है थोड़ी सही लगी, मज़ा आया काफ़ी एक ही बार में कैब बुक। और लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, उन भैया को भी शेयर कर दो। तो एयरपोर्ट पहुँच के आप, तो फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे और टाइमली पहुँचे हैं, 3:18 पे पहुँचे हैं। देखो वेट करना पड़ेगा, 6 बजे की फ्लाइट है, थोड़ा 2 घंटा पहले जो भी जाना होता है वो प्रोसेस करते हैं। और अभी यहाँ सब हो चुका है, अब निकलते हैं सीधे बाहर और चलते देखते हैं। थैंक यू सो मच भैया, काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा सफ़र रहा। और भाई हम अपना बैग निकाल लें, चलिए एयरपोर्ट चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोग बोर्डिंग पास अपना निकाल रहे हैं। मेरे को देना रे बाबा, अभी देगा भाई, मेरे को देना रे बाबा। तुम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं, पहले मेरा निकला, पहले मेरा निकला बोर्डिंग पास यहाँ पे। अब ये कौशिक का भी बोर्डिंग पास निकल रहा है, सो बोर्डिंग पास निकल गया, हम लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं एयरपोर्ट में, तो चलो अंदर लेते हैं एंट्री। यहाँ पे अपना हमने बोर्डिंग पास निकाल लिया, अब वेट करते हैं, वेट करने के बाद देखते हैं कितनी देर में एंट्री मिलती है अंदर और फिर फ्लाइट में बैठते हैं। गाइस हमारी फ्लाइट आ चुकी है और हम लोग रेडी होते हैं, टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी फ्लाइट आती है, अंदर घुसते हैं, जल्दी जल्दी अंदर घुसते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं भाई, अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, और पीछे दिखा दो, ठीक है, पीछे कैमरा, पीछे दिखा रहे हैं, जूम कर देंगे, बहुत अच्छी। यहाँ पर भीड़ देखो आज क्या हाल हो रखा है, ये लग गई है लाइन यहाँ से वहाँ तक, काफ़ी भीड़ है आज। और अपना एयरप्लेन वहाँ पे आ चुका है,
ये है भीड़ भाई, ये देखो फिर से चेकिंग हो गई ना सर का नीचे। यहाँ से सीधे साइड में अंदर के लिए रवाना होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, चेकिंग चल रही है आगे। बस लाइट में बैठ रहा हूँ। सो गाइस हम लोग फाइनली लखनऊ आ गए, जहाँ से ये ब्लॉग शुरू हुआ था वहीं पे ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। तो भाई हम यहाँ पे खड़े हुए थे तभी जब गए थे, और वापस से बात चुके इधर से विशाली गेट से आए, मतलब एंट्री वहाँ से होती फिलहाल। तो काफ़ी बढ़िया ट्रिप रही और काफ़ी मज़ा आया, तब इंजॉय किया हर एक चीज़ को, सब कुछ नया नया था लेकिन फिर भी ठीक था। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और ख़त्म करते हैं एकदम। अब वीडियो एकदम जो भी था शॉर्टकट में सब कुछ बनाया, मतलब नॉर्मल, एकदम ज़्यादा कुछ खास तो होने वाला नहीं था, जहाँ हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।